ओपन मॉड्यूलर किचन जब बनाते हैं तो हमें किचन डाइनिंग या किचन लिविंग के बीच में एक आर्टिफिशियल पार्टीशन क्रिएट करना पड़ता है। तो समस्या ये आती है कि उस पार्टीशन को किस मटेरियल का बनाएं, उसकी डिजाइन कैसी लें, उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे, आज के वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पार्टीशन की डिजाइन, उनका मटेरियल, उनकी कॉस्ट की जानकारी दूंगा जो आप अपने ओपन किचन को पार्टीशन देने के लिए काम में ले सकते हो। तो अगर आप भी अपना ओपन किचन प्लान कर रहे हो, पार्टीशन के बारे में कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। सबसे पहला पॉइंट है WPC या MDF जाली पार्टीशन। दोस्तों CNC पार्टीशन जो होता है उसके अंदर आप मल्टीपल डिजाइन जैसा आप सेलेक्ट करते हो वैसा उसको ट्रेस करके मशीन के द्वारा CNC कटिंग कर दी जाती है और उसको आप अपने किचन में एज ए पार्टीशन यूज कर सकते हो। इस तरह का जो पार्टीशन बनाया जाता है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है पार्टीशन को डिजाइन करने का। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो लगभग एक 7x4 का आपका अगर पार्टीशन है तो आप 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में इसको करवा सकते हो। इसके अंदर जो है मेनली फिनिशिंग कॉस्ट बढ़ जाती है अगर MDF काम में लेते हैं। अगर आप इस तरह का WPC मटेरियल काम में ले रहे हो तो फिनिशिंग कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट आता है। तो इस तरह की पार्टीशन यूज करके अपने किचन को, ओपन किचन को पार्टीशन दे सकते हो। अगर इसमें डिजाइन की बात करें तो एन नंबर ऑफ डिजाइन पॉसिबल है। आप चाहो तो दोनों साइड भी किचन में पार्टीशन दे सकते हो, अगर आप चाहो तो एल शेप में दे सकते हो, अगर आप चाहो तो एक साइड में दे सकते हो। तो मल्टीपल डिजाइन पॉसिबल है, इजी टू इंस्टॉल है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा टिपिकल रहता है क्योंकि क्लीनिंगनेस थोड़ी सी टिपिकल रहती है, डिजाइन के बीच में क्लीन करना थोड़ा सा टीडियस काम रहता है। बाकी अगर पॉइंट्स बात करें तो सबसे बेस्ट और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जाली पार्टीशन देना। सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है दोस्तों ग्लास पार्टीशन देना। ग्लास पार्टीशन को आप फिक्स ग्लास पार्टीशन भी दे सकते हो, फोल्डिंग ग्लास पार्टीशन भी दे सकते हो, स्लाइडिंग ग्लास पार्टीशन भी दे सकते हो। जैसा आपको चाहिए वैसा आप ग्लास पार्टीशन बनवा सकते हो। इसके अंदर आप मिक्स मैच भी कर सकते हो, मतलब आपने थोड़ा सा फिक्स दे दिया बाकी का स्लाइडिंग दे दिया, फिर फिक्स दे दिया बाकी का ओपनेबल दे दिया, तो अपन मिक्स मैच करके भी ग्लास पार्टीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ हाफ ग्लास पार्टीशन दे सकते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट टेबल दे दिया उसके ऊपर अपन ने हाफ स्लाइडर या फिर हाफ फिक्स ग्लास का पार्टीशन दे दिया। तो इस तरह का ग्लास के अंदर मल्टीपल डिजाइन पॉसिबल है। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों ग्लास पार्टीशन की कॉस्ट अगर एक एवरेज 7x4 का ही मैं अपन एक एवरेज लेके चल रहे हैं सभी के अंदर, तो लगभग जो आपका कॉस्ट आएगा वो 15,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के बीच में आएगा। अगर ये साइज बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। मेनली इसमें होता है कि अगर आप हार्डवेयर को चूज कर रहे हो ना कि स्लाइडिंग या फोल्डिंग यूज कर रहे हो तो उसका हार्डवेयर का कॉस्ट एडिशनल रहता है। तो ये जो है आपका ग्लास का हो गया। अब ग्लास में आप फ्रॉस्टेड ले सकते हो, टिंटेड ले सकते हो, क्लियर ले सकते हो, मल्टीपल कलर के ग्लास ले सकते हो। जैसा जैसे आप ग्लास की क्वालिटी, थिकनेस और कलरफुल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इजी टू मेंटेन है, क्लीनिंग इसकी काफी इजी रहती है, उसका लुक काफी एस्थेटिकली प्रॉपर आता है, काफी बढ़िया आता है। तो ये हो गया ग्लास पार्टीशन के बारे में, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। दोस्तों थर्ड मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एडिंग अ ब्रेकफास्ट टेबल इन बिटवीन किचन एंड डाइनिंग। इसका मतलब ये कि आप ब्रेकफास्ट टेबल क्रिएट करके भी अपने किचन और डाइनिंग के बीच में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट टेबल की डिजाइन काफी तरह की हो सकती है, ब्रेकफास्ट टेबल विद स्टोरेज हो सकती है, विदाउट स्टोरेज हो सकती है। ब्रेकफास्ट टेबल स्टोन की यानी कि मार्बल या ग्रेनाइट की बनाई जा सकती है या फिर वुडन की बनाई जा सकती है। ब्रेकफास्ट टेबल के साथ में आप क्रॉकरी दे सकते हो, विदाउट क्रॉकरी दे सकते हो, काफी सारी डिजाइन ब्रेकफास्ट टेबल में पॉसिबल है। जिस तरह का आप डिजाइन चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट होती है। अगर आप मिनिमम की बात करो तो मिनिमम आप इसको 3,000 से 4,000 रुपए में तैयार कर सकते हो अगर आप सिंपल काउंटर टॉप का पार्टीशन ब्रेकफास्ट का देने वाले हो। और अगर अपन मैक्सिमम बात करें तो 50,000 रुपए तक की आप ब्रेकफास्ट टेबल विद स्टोरेज उसके अंदर साइड में डेकोरेटिव टाइप का एलिमेंट बना के पैनलिंग करके तैयार कर सकते हो। तो कॉस्ट रेंज इसकी काफी वाइड है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये काफी बढ़िया और पॉपुलर मेथड है इंडिया के अंदर मॉड्यूलर किचन के अंदर पार्टीशन देने का। इसका एक खास बेनिफिट ये है कि आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा सेटिंग मिल जाती है, एक्स्ट्रा काउंटर मिल जाता है जो आप मॉड्यूलर किचन के अंदर खाना बनाने के लिए काम में लेने या खाने के लिए काम में ले सकते हो। तो हो गया एक मॉड्यूलर किचन के अंदर पार्टीशन देने का तरीका, मॉड्यूलर किचन विद ब्रेकफास्ट काउंटर। दोस्तों जो फोर्थ पॉपुलर मेथड है वो है वुडन पार्टीशन इन बिटवीन किचन एंड डाइनिंग। वुडन पार्टीशन का मतलब ये होता है कि आप वुडन की कोई भी डिजाइन बना सकते हो, चाहे आप उसको शोकेस टाइप की डिजाइन बना लो अपने किचन डाइनिंग के बीच में, या फिर आप वुडन की कोई सिंपल जो स्ट्रेट पैनल्स वाली डिजाइन होती है वैसी बना लीजिए, या फिर और भी कोई अगर अपने को पैनलिंग टाइप की डिजाइन देनी है तो वुडन की डिजाइन बना के आप किचन और डाइनिंग के बीच में एक अच्छा सा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। ये काफी पॉपुलर और काफी
ट्रेडिशनल मेथड है जो काफी टाइम से काफी पहले से यूज हो रहा है इंडियन किचन के अंदर पार्टीशन देने के लिए। दोस्तों अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो अगर अपन एक नॉर्मल 7x4 का पार्टीशन लेते तो लगभग लगभग 15,000 रुपए से स्टार्ट होकर के 30-35,000 रुपए तक का आपका पार्टीशन लाने का कॉस्ट आएगा। अगर इसके अंदर आप विनियर वगैरह काम लेते जो कि एक्सोटिक मटेरियल होता है उसमें फिनिशिंग पॉलिशिंग की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है तो ये आपका कॉस्ट 40,000 रुपीज तक भी पहुंच सकता है। तो आप वुडन का पार्टीशन डिजाइन करके एक अपने किचन को एस्थेटिक और प्रॉपर लुक दे सकते हो। इसके अंदर बेसिक चीज ये है कि आपको एक तो मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि लैमिनेट्स की कलर ऑप्शन अनलिमिटेड है मार्केट के अंदर अवेलेबल, तो आप अपने किचन के अकॉर्डिंग जो भी सूट कर रहा है उसको आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो, तो ये इसका खास बेनिफिट है। मेंटेनेंस की बात करें तो इजी टू मेंटेन है और इजी टू इंस्टॉल है क्योंकि कारपेंटर वर्किंग से इसको तैयार किया जा सकता है। दोस्तों जो फिफ्थ मेथड है वो है यूजिंग द रेडीमेड पार्टीशन जाली। दोस्तों आजकल फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर रेडीमेड पार्टीशन भी अवेलेबल है जो किचन डाइनिंग के बीच में आप पार्टीशन के रूप में काम में ले सकते हो। इस तरह के जो पार्टीशन आते हैं दोस्तों अलग अलग हाइट्स के अंदर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैसे 3 फिट में, 4 फिट में या 5 फिट में या 6 फिट में, आपको 6 फिट हाइट तक के मिल जाते हैं। और ये जो है दोस्तों वो फिक्स भी होते हैं यानी कि एक फिक्स साइज के भी आते हैं या फिर कोलेप्सिबल वाले भी आ जाते हैं। तो ऐसे जो पार्टीशन रहते हैं दोस्तों ये 20 इंची से लेकर के 24 इंची विड्थ के आते हैं, हाइट में मैंने ऐसा बताया आपको 3 फिट से लेकर के 6 फिट तक के आते हैं। और अगर इनकी कॉस्ट की बात करें तो लगभग लगभग 5,000 रुपए से स्टार्ट होकर के 15,000 रुपए तक के पार्टीशन जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो कि रेडीमेड बने हुए आते हैं। इसके अगर मटेरियल की बात करें तो MDF के बने होते हैं या फिर HDHMR के बने होते हैं। इस तरह के पार्टीशन को भी अपने किचन के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आपका रेंटेड प्रॉपर्टी और आप रेडीमेड पार्टीशन प्रेफर कर रहे हो, अपने यहाँ पे ऐसा पार्टीशन प्रिफर करो जो टेम्प्रेरी हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ। उसको आप डायरेक्टली प्रोक्योर करके अपने यहाँ पे रखना है, आपको कोई फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, किसी तरह का लेबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का पार्टीशन भी अपने किचन में यूज करके अपने किचन डाइनिंग के बीच में पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों सिक्स मेथड है टेराकोटा जाली का पार्टीशन करना, टेराकोटा ब्रिक्स यूज करना। दोस्तों ये काफी पॉपुलर हो चुका है अब क्योंकि मटेरियल के अंदर वाइड वैरायटी ऑफ डिजाइन अवेलेबल है मार्केट के अंदर और इजी टू अवेलेबल इजी टू इंस्टॉल मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसका करके अगर आप पार्टीशन करोगे 30 स्क्वायर फीट का तो लगभग आपकी 9 से 10 हज़ार रुपये की कॉस्ट आएगी। अगर आप पॉलिशिंग करते हो तो थोड़ा बहुत खर्चा और आएगा लेकिन विदाउट पॉलिश भी डिजाइन काफी बेहतरीन लुक देता है। इस तरह के आप मल्टीपल डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है, अपने अकॉर्डिंग अपना पैटर्न और डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। टेराकोटा जाली का पार्टीशन करने से आपका जो लुक आएगा किचन का वो काफी बेहतरीन आता है। सबसे मेन चीज ये कि बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट है क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, क्ले का बना हुआ है तो उसके अंदर किसी तरह का मेंटेनेंस अपने को चाहिए नहीं होता। तो ये जो है काफी बढ़िया पॉपुलर मेथड है, इसको आप यूज करें किचन पार्टीशन में, आपको बढ़िया लगेगा ये वाला। दोस्तों जो लास्ट मेथड हमारा है पार्टीशन बनाने का वो है फोल्डिंग या स्लाइडिंग डोर पार्टीशन। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, एक स्लाइडिंग डोर की फिटिंग आती है जिसमें आप स्लाइड कर सकते हो या फिर फोल्डिंग की फिटिंग आती है जो कोलेप्सिबल टाइप का बनता है। ऐसे में दोनों को यूज करके आप अपने किचन में पार्टीशन दे सकते हो। इस तरह के जो पार्टीशन है आप हाफ भी दे सकते हो यानी कि ब्रेकफास्ट काउंटर दे दिया एक ऊपर तक, उसके बाद सीलिंग और उसके बीच में अपन ने फोल्डिंग दे दिया या फिर फुल सीलिंग टू फ्लोर भी दे सकते हो। स्लाइडिंग और कोलेप्सिबल दोनों इसी फॉर्म में पॉसिबल है और इसके अंदर आप मल्टीपल मटेरियल काम ले सकते हो। आप इसको ग्लास का भी बना सकते हो, ग्लास विद एल्यूमिनियम फ्रेम भी बना सकते हो, वुडन का ही बना सकते हो, MDF का ही बना सकते हो। तो मल्टीपल मटेरियल के अंदर इस तरह का पार्टीशन देना पॉसिबल होता है। ये जो है इसके अंदर मेन हार्डवेयर की कॉस्ट होती है जो लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक के हार्डवेयर आते हैं और बाकी जैसा आप मटेरियल यूज करोगे, चाहे आप वुडन यूज करोगे तो वुडन की कॉस्ट लग जाएगी, ग्लास यूज करोगे तो ग्लास की कॉस्ट हो जाएगी, एल्यूमिनियम फ्रेम यूज करोगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी। इस तरह का आप जो फर्नीचर है उसको आप इस तरह का जो पार्टीशन है उसको आप डिजाइन करके अपने किचन में फोल्डिंग या कोलेप्सिबल पार्टीशन की डिजाइन दे सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जब आपको पूरा क्लोज चाहिए तो आप पूरा क्लोज भी कर सकते हो, जब आपको ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हो। ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है जो ये ऑफर करता है। तो दोस्तों इस तरह की हमने आज 7 पार्टीशन डिजाइन के बारे में बात करी। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताइए। साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, उसके ऊपर भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपने किचन का ऑनलाइन डिजाइन करवाना चाहते हैं, अपने ओपन किचन को खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसमें कौन सा पार्टीशन अच्छा लगेगा, तो आप किचन का 3D 2D डिजाइन बना करके अपने किचन को प्री विजुअलाइज कर सकते हैं और अपने किचन का लुक देख सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए भी आप व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। इस तरह से मॉड्यूलर किचन के ऊपर लेटेस्ट वीडियोज हम लाते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर, इसको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो अपने किचन के बारे में शॉर्ट्स रील्स देखने के लिए, अच्छी अच्छी नई नई जानकारी देखने के लिए। मेरे को उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा, काम अच्छा लग रहा होगा। चैनल पसंद आ रहा है तो उसको शेयर कीजिए। देखते रहिए GM फर्नीचर। थैंक यू सो मच।